इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश में कोरोना के केस में लगातार गिरावट, एक दिन में करीब 62,000 नए मामले, 2,542 मरीजों की मौत। कोवैक्सीन को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर केंद्र सरकार का बयान, कोवैक्सीन में बछड़े का सीरम नहीं, पोस्ट के जरिए फैल रहा है झूठ। बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा भ्रम फैला रही है पार्टी, कोवैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित। संबित ने कहा इस मामले को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, कांग्रेस ने जो किया वो महापाप से कम नहीं। एनटीजीआई के कोर मेंबर का बयान, पहली और दूसरी डोज में गैप बहाने पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं, गैप बहाने के लिए सभी लोग सहमत। पीएम मोदी 18 जून को फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए लॉन्च करेंगे क्रैश कोर्स प्रोग्राम, 26 राज्यों में लगाए जाएंगे 111 सेंटर। केजरीवाल ने कहा कोरोना की थर्ड वेव से निपटने की तैयारी पूरी, 12वीं पास 5,000 युवाओं को दी जाएगी हेल्थ असिस्टेंट की ट्रेनिंग। केरल में कोरोना के 13,270 नए संक्रमित, 147 लोगों ने गवाई जान। दिल्ली में कोरोना के 212 नए केस आए सामने, 25 लोगों ने तोड़ा दम। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 310 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 50 लोगों ने तोड़ा दम। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी से की मुलाकात, मध्य प्रदेश के कोरोना हालात की जानकारी दी। बंगाल के कल्याण और मुर्शिदाबाद में पीएम केयर फंड से बनाए गए 2 कोविड हॉस्पिटल, 41 करोड़ की लागत से बने 250 बेड के 2 हॉस्पिटल्स। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 22 जून तक लगाई चारधाम यात्रा पर रोक, राज्य सरकार को तैयारियों को लेकर दिए निर्देश। ओडिशा में 1 जुलाई तक बढ़ाया गया आंशिक लॉकडाउन, छत्तीसगढ़ और झारखंड के लिए खोले बॉर्डर। एलजेपी में मचे घमासान के बीच चिराग पासवान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पहले भी एलजेपी को तोड़ने की हुई कोशिश, नीतीश कुमार के सामने झुकना मंजूर नहीं। चिराग बोले कुछ लोग संघर्ष के रास्ते पर चलने को तैयार नहीं, मैंने सत्ता के लिए नीतियों से समझौता नहीं किया। चिराग पासवान ने कहा चाचा कहते तो उन्हें बना देता संसदीय दल का नेता, शेर का बेटा हूं, लड़ाई के लिए तैयार हूं। पशुपति पारस ने चिराग पर बोला हमला, कहा चिराग की वजह से पार्टी खत्म होने की कगार पर आई, एनडीए के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहती थी एलजेपी। पशुपति पारस का बयान, चिराग ने मुझे किसी हक से राज्य प्रभारी के पद से हटाया, मेरे निरीक्षण में बिहार में 6 सीटों पर मिली जीत। चिराग पासवान के समर्थकों ने पशुपति पारस को दिखाए काले झंडे, दोनों के समर्थक आपस में भिड़े। पशुपति पारस और 5 एलजेपी नेताओं के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज, पार्टी से धोखाधड़ी का आरोप। सोनिया गांधी ने सीएम अमरिंदर सिंह और सिद्धू को दिल्ली तलब किया, पार्टी में गतिरोध खत्म करने पर ले सकती है फैसला। पंजाब कांग्रेस में पोस्टर वॉर जारी, सिद्धू के बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा के समर्थन में फरीदकोट में लगे पोस्टर्स। पंजाब कांग्रेस में बीजेपी की सेंधमारी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में कई बड़े नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। बीएसपी के बागी विधायकों को लेकर मायावती का अखिलेश पर पलटवार, कहा जोड़तोड़ और जातिवाद की राजनीति में माहिर है समाजवादी पार्टी। कोल्हापुर में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन, महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल भी धरने पर शामिल। कोलकाता पुलिस ने की मिथुन चक्रवर्ती से वर्चुअल पूछताछ, बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा के लिए उकसाने का आरोप। बंगाल में जारी हिंसा पर बोले दिलीप घोष, चुनाव के बाद से अब तक 41 कार्यकर्ताओं की हुई हत्या, सरकार दे रही है हिंसा को बढ़ावा। बंगाल के राज्यपाल धनखड़ के दिल्ली दौरे को लेकर टीएमसी का हमला, कहा संवैधानिक नियमों का किया उल्लंघन, राज्य में वापस ना लौटे राज्यपाल। आप नेता संजय सिंह का बीजेपी पर आरोप, प्रॉपर्टी डीलर को बचाने में जुटी है बीजेपी, मामले में कोर्ट जाने की कर रहा है तैयारी। अयोध्या जमीन विवाद को लेकर जम्मू में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने जलाया अखिलेश यादव के पोस्टर्स। वीवा टेक समिट में पीएम मोदी का संबोधन, इन्वेस्टर्स को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। पीएम बोले भारत और फ्रांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई मुद्दों पर मिलकर कर रहे हैं काम, तकनीक और स्टार्टअप की दुनिया में भारत की प्रगति जग जाहिर। आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में बोले राजनाथ सिंह, दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है आतंकवाद और कट्टरपंथ। ट्विटर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, ट्विटर को मिला कानूनी संरक्षण हुआ खत्म, अब कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का आरोप, ट्विटर को दिए गए कई मौके जानबूझकर नियम नहीं मानने का लिया फैसला। ट्विटर ने भारत सरकार को जवाब दिया, कहा सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने की कर रहे हैं कोशिश, अंतरिम चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को किया गया नियुक्त। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गहरे समुद्र मिशन को दी मंजूरी, समुद्री संसाधनों की खोज और समुद्री प्रौद्योगिकी के विकास में मदद मिलेगी। पीएनबी घोटाले को लेकर सीबीआई ने दायर की चार्जशीट, गीतांजलि ग्रुप के पूर्व इंटरनेशनल हेड सुनील वर्मा समेत कई लोगों के नाम। गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई, मामले में ट्विटर सहित 9 के खिलाफ एफआईआर दर्ज, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप। बुजुर्ग की पिटाई के मामले में गाजियाबाद के एसएसपी ने कहा मामले का धार्मिक एंगल नहीं, गलत पोस्ट शेयर करने वालों पर होगी कार्रवाई। सागरराणा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने जूडो कोच सुभाष को किया गिरफ्तार, सुशील कुमार पहले से ही न्यायिक हिरासत में। मुंबई के कई इलाकों में रुक रुक कर हुई बारिश, हिंदमाता समेत कई इलाकों में भरा पानी। गुजरात के आनंद में बड़ा सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर में एक ही परिवार के 10 लोगों की मौके पर हुई मौत। नियाग्रा फॉल्स पर की गई आतिशबाजी, 70% युवाओं को कोरोना की पहली डोज लगने पर जताई खुशी। कैलिफोर्निया में कोरोना पाबंदियों में मिली छूट, पूरी क्षमता के साथ खुले रेस्टोरेंट, जिम और बार। इसराइल बना पहला मास्क फ्री देश, फ्लाइट्स और क्वारंटीन में मास्क अब भी जरूरी, पूरी क्षमता के साथ खुले स्कूल। फ्रांस में 20 जून से हटेगा कोरोना कर्फ्यू, बाहर घूमने के लिए मास्क अनिवार्य नहीं। सुनील गावस्कर को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में रविंद्र जडेजा और आर अश्विन दोनों के खेलने की उम्मीद, कहा साउथैम्पटन का मौसम गर्म। और वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस ने यूरो फुटबॉल में जर्मनी को 1-0 से हराया, जर्मनी के प्लेयर ने 20वें मिनट में आत्मघाती गोल दागा।
मीनाक्षी जोशी वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।